राजस्थान रावला से बड़ी खबर है। रावला पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान नशे की 6,700 गोलियों सहित रावला के दो युवकों को पकड़ा गया है। आपको बता दें, आरोपी कार में बीकानेर से लाए थे नशे की खेप को। इस संबंध में थानाधिकारी से डीडी समाचार के संवाददाता ने खास बातचीत की। मैं रावला मंडी से किशन कार सोनी डीडी समाचार के लिए यहाँ पर नशे के खिलाफ लगातार रावला थाने की कार्रवाई हो रही है, जिसके अंदर नशे करने वाले और नशा बेचने वालों में इस कदर भय व्याप्त है कि पूछने वाली बात है। वो इसी के खिलाफ रावला पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए आज फिर एक और कार्रवाई की है, जिसमें नशे की 6,700 गोलियां बरामद की है। तो मैं रावला थाना अधिकारी अमरजीत चावला से पूछना चाहूँगा कि सर, आपने ये कार्रवाई कब और कहाँ की? आज सुबह 9 अगस्त पे था, तो मुझे मुखबिर से सूचना मिली कि इस तरह से बीकानेर से एक कार में दो व्यक्ति नशे की गोलियां लेके आ रहे हैं। ये सूचना पर डंडी रोड पर गया तो एक कार में दो व्यक्ति मनीष कुमार और विष्णु गोलियां लेकर आ रहे थे। इसमें 6,700 नशीली गोलियां थी। इस पर इन गोलियों को अपने जब्त करके और दो मुलजिमों को, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। कल इनको कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया गया जाएगा। सीए अमरजीत चावला ने बताया कि यहाँ पर दो युवकों को जो नशों की गोलियां बीकानेर से लाना बताया है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है, तो लगातार रावला थाना की नशे के खिलाफ बहुत ही अच्छी कार्रवाई। रावला मंडी से किशन कांत सोनी डीडी समाचार के लिए। This is Channels Television's breaking news.